नमस्कार सभी को। आज मैं मौजूद हूँ संगरूर पंजाब में एक बहुत ही मशहूर लेखक प्रमोद कुमार गर्ग जी के साथ, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का एक नया तरीके से विकरण किया है हमारे सामने। तो आइए आज हम उनसे थोड़े रूबरू होते हैं और जानते हैं कि वो इस भगवद गीता के साथ हमें क्या बताना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए मुझे प्लीज। प्रमोद कुमार गर्ग। अच्छा, तो सर ये जो भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, इसको बनाने में, इसको लिखने में आपको कितना वक्त लगा? लिखी तो भगवान की ही हुई है। मैंने तो उसको समझ के टीकाकरण किया, उसकी एक्सप्लेनेशन की है। उसी में एक्सप्लेनेशन में आपको कितना वक्त लगा? क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोगों ने, तो उनसे ही कुछ तो शौक था, पिताजी पढ़ते थे। अच्छा, फिर इसको जब मेरे को अक्सर जब लोग मिलते वो कहते थे यार गीता हमारे ऊपर से निकल जाती है। अच्छा, ये पाठ करने तक महफूज थी सर। अच्छा, या फिर कोर्ट में कसम खाने तक। हाँ, तो मेरे मन में बड़ा आया यार इतनी बड़ी बात, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कल्याणकारी मोक्ष प्रदान करने वाली बात है, उसको हमने ऐसे दबा के रखा। इससे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई कि आजकल का जो यूथ है वो ये धार्मिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, धीरे धीरे कटता जा रहा है भगवान से। कटता यही कारण है, कटता इसीलिए है कि हमने धर्म को एक शो बना दिया। हम एक एक जगराता करते हैं, शो एक, चाहे किसी भी धर्म में हो वो एक शो वाली हो गई। जो धर्म के गूढ़ रहस्य हैं वो ना तो समझाने वाले ना फिर समझने वाले कैसे होंगे। जब समझाने वाले ही जिन्हें हम समझते हैं कि ये ज्ञान रखते हैं, भागवत करते हैं या किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, वो तो बांध के आगे रख लेते हैं भागवत को, गीता को, रामायण को। जो लोगों को अनुकूल है, जो टोटके हमें उनके पसंद हैं, वो चार कहानियां और टोटके सुना, तो इसका असर भी कैसे होगा? धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। अगर मूल बातें उनको समझाई जाएं बचपन से, गीता हाथ में पकड़ाई जाए, चलो 15, 16, 17 साल की उम्र में, 18 साल, तभी बात बन सकती है। अगर हम ऐसे ही शोबाजी में रहे तो जब मूल बात ना कोई बतलाने वाला, जैसे सुंदरकांड में भी एक सिखाई आती है, सचिव वैद गुरु, अगर हमारे तीनों अनुकूल बात करेंगे ना, अगर हमारा सचिव सेक्रेटरी कहे या मंत्री कहे महाराज सब ठीक है, शहर में सब बढ़िया है, तो वो राज भाग गया। अगर डॉक्टर कहे हमारा बढ़िया, हमें फीस देने वाला मरीज है, इसको यार क्यों कटवा, क्या फायदा सर्जरी करने का, यानी वो ऐसे ही हमें मीठी सी दवाई दे दे। गुरु कहे क्यों तकलीफ में डालना है, हमारा चेला ना रूठ जाए, तो समझो आपका आध्यात्मिक जीवन गया। आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है सर? सेल्फ रियलाइजेशन इज द रीजन, दैट्स सेल्फ रियलाइजेशन, अवेयरनेस इज द रीजन। हम कितने का अवेयर हैं, हमने अपने आत्मा को आत्मा द्वारा हमने कितना समझा है, हम हैं कौन, मैं कौन हूं, यह समझ लेना ही धर्म है। हिंदू मुसलमान ईसाई ये एक संप्रदाय है। अच्छा, तो जाने से पहले आप थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो आपने लिखी है, थोड़ा सा उसका एक सारांश, एक हल्की सी उसकी झलक हमें, हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? लाइफ बढ़िया ढंग से जिए, खुशी खुशी, उत्सव नहीं, लाइफ एक उत्सव है, वह जी सके। और इस जीवन का असली लाभ यह है, जैसे हमारे पास कोई एक कार गाड़ी कुछ भी होती, हम एक शहर से दूसरे शहर में ले जाते हैं, इस शरीर द्वारा एक तो हम जीवन बड़े उत्सव में जी सकते हैं, और दूसरा इस जीवन में जिस उद्देश्य के लिए हमें जीवन मिला था, मोक्ष प्राप्ति, परम शांति, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात रखते, त्याग पूर्वक भोग करो। हम गीता कभी भोग को नहीं रोकती, आप राजा क्यों बन गए, आप धनी क्यों बन गए, गीता नहीं रोकती। गीता के कहने वाले भगवान कृष्ण खुद जेल में पैदा हुए, हिंदुस्तान के किंग मेकर बने, वो तरक्की नहीं रोकते। वो कहते हैं त्याग पूर्वक भोग करो, यानी आज आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको किसी पद पे बैठा दिया, कल को पद चला गया, फिर क्या हुआ, फिर भी आप में कोई फर्क नहीं।
पद आपसे है, आप पद से नहीं, धन आपसे है, आप धन से नहीं। बहुत 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 अच्छा लगा सर मिलके आपसे। थैंक यू सो मच। जय श्री।